हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह में 8:30 बजे से। और अभी हम लोग ना मंदिर जा रहे हैं, मंदिर नहीं, घर में ना सत्यनारायण की कथा है, तो यहीं पर हम लोग जा रहे हैं उनके घर पर। तो जाते हैं अभी। और ऑलरेडी ना मेरे को बहुत लेट हो गया है, तो सुबह में आज बच्चे लोगों की छुट्टी थी तो मैं देर से उठी तो लेट ही हो गया। तो दीदी का ना बार बार कॉल आ रहा है, तो जाते हैं पहले, तो मिलते हैं आप लोगों को सत्यनारायण की कथा पे। तो मैं ना अभी तैयार हो गई हूँ, तो जाती हूँ। तो थोड़ा सा ना सिर के बाल बनाने हैं मेरे को, तो बाल वाल बना के ना मैं जाती हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों को वहीं पर। तो सामान हमने ले लिया है और जा रहे हैं। मजा आगे हम आगे। तो अभी ना हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही जाना है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो ये है भाभी का मंदिर और हम लोग पहुंच गए हैं घर में। यहाँ पर दिया बाती हो गई है और अंदर ना यहाँ पर चल रही है पूजा की तैयारी चल रही है। मतलब अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो थोड़े बहुत तैयारी यहाँ पर हो गई है। और ये है आंटी जी, भाभी जी के मम्मी है ये। और यहाँ पर पूजा की तैयारी अभी हो रही है और भगवान जी को फोटो में लगा दिया है इधर। तो आधे से ज़्यादा काम ना यहाँ पर हो गया है। तो दिया भाभी जी ने जला दिया है और पूरे यहाँ पर सामान पूरा रेडी रखा हुआ है। और पंडित जी भी आ गए हैं और यहाँ पर लगा रहे हैं नितेश को टीका, यानी कि ये है भाभी का बेटा है छोटा वाला। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हो सत्यनारायण की कथा। तो आज सैटरडे है और आज एकादशी भी है, और एकादशी के दिन ही ये कथा किया जाता है। तो यहाँ पर कर रहे हैं कथा और ये बच्चे लोग जो हैं बेलपत्र तोड़ के लेके आ गए हैं। और यहाँ पर ना पूजा चलती रही है और भाभी भी वहाँ पर अभी ना फोटो में ना फूल लगाएगी भाभी। और यहाँ पर पूजा यहाँ पर एक साइड चल रही है, एक साइड भाभी जी कर रही है पूजा। तो पंडित जी अपने मंत्र चालू पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी पूजा हो रही है, मतलब आधे से ज़्यादा पूजा हो गई है। तो आप देख सकते हो या भले या फल और भला पुष्पान पुष्पणि बृहस्पति स्थानो मोचन देवी फल दर्शन स्वाहा ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा जय भगवान की, जय
जा हो गई है तो अभी ना हवन की तैयारी हो रही है। ओम बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम बृहस्पति ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय तो हवन यहाँ पर होने लग गई है और आधी हवन हो गई है तो थोड़ी देर बाद आरती होगी तो इसके बाद हो जाएगी पूजा हमारी ख़त्म। तो आप देख सकते हो और बने रहिए और हवन का आनंद लीजिए। तो आज एकादशी है तो बहुत अच्छा दिन है तो बने। लक्ष्मी रमणारत चरित सिंहासन अद्भुत छविराजे हो स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण सबसे न्यारी न्यारी हरी। तो पूजा पाठ पूरा हो गई है और भाभी अभी ना सब आरती देने लग गई है अंदर। तो हवन यहाँ हो चुका है देख सकते हो हवन और पूरा खत्म हो गया है पूजा पाठ। तो यहाँ पे ना देखिए हवन इतना अच्छा लग रहा है मतलब हवन देख सकते हो आप लोग भी। पूजा करके ना एक अलग ही शांति मिलती है सुकून मिलता है बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो देख सकते हो आप तो यहाँ पे ना प्रसादी बटने की तैयारी हो रही है मतलब बना दिया है थोड़े बहुत बना दिया है। तो बिगर प्रसादी के ना यहाँ से नहीं जाते हैं तो दीदी ने ले लिया है भाभी। कितने बजे आए तो मैंने भी ले लिया है प्रसादी। और सत्यनारायण की पूजा करके ना प्रसादी हमेशा लेना चाहिए बिगर प्रसादी के नहीं जाना चाहिए। तो पूजा पाठना अभी हो गई है पूरे प्रसादी भी ले लिया है और दीदी भी यहाँ पर बैठे हैं बड़े वाले भाभी चले गए हैं और जिनकी कथा थी ना नायडू भाभी नायडू भाभी और उनकी मम्मी ना ये है आंटी जी और भाभी ना यहाँ पर ना बिगर खाने खाए नहीं जाने दे रही। दो बार चले गए दो ही बार। ये देखो यहाँ पर बन रहे हैं पराठे गर्मा गर्म दीदी के लिए स्पेशली पराठे। तो ये ना प्रियांशु लेके आ गया है दीदी के लिए।
तो मेरे लिए अभी थोड़ी देर में आने वाला है, तो तब तक के लिए ना यहाँ पर ये देखिए बर्बाद हो जाएगा इंसान ना। ये है यहाँ पे ये है बदमाश, और ये ना बहुत अच्छी है, क्यूट सी बच्ची है ये पंखुड़ी। यहाँ पे इंतजार कर रहा है, किसका इंतजार कर रहे बाबू? यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं गर्मा गर्म पराठे और आलू सोया बड़े की सब्जी, जो ना बहुत टेस्टी है। और बताओ एक पत्ते की बात, बिना खाना ना खा लिया दीदी, देखिए कितना बड़ा मुंह लगा के। जूस है क्या है? आपको ही मालूम। तो अभी हम लोग जाते हैं, यह है प्रसादी। तो प्रियांशु और गोलो हमारे साथ आ रहे हैं। दीदी बाय भी बाय बोलो फिर। पूजा हो गया, आंटी चलते हैं फिर। हाँ अंकल बाय बोलो फिर। बाय।